नमस्कार दोस्तों, साई फैमिली डॉक्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमदर्द के रोगन ए बादाम शिरीन ऑयल के बारे में, जो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। दोस्तों, इस बादाम तेल के बहुत सारे फायदे हैं। आगे वीडियो में हम इसके फायदों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बादाम तेल 100% शुद्ध बादाम से बनाया जाता है और ये एक बहुत कारगर, असरदार और बेहतरीन यूनानी फार्मूला है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। ये सभी तत्व आपकी त्वचा और बालों को पोषण देते हैं, आपके दिमाग और हड्डियों को ताकत देते हैं, थकान दूर करते हैं, भरपूर प्रमाण को नींद लेने और आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस और पैकिंग की बात करें तो 25 ml का रोगन बादाम तेल 115 रुपये में आपको मिल जाता है। ये 50 ml के पैकिंग में भी आपको उपलब्ध हो जाता है। ये आपको सभी आयुर्वेदिक और केमिस्ट शॉप्स में मिल जाता है। चलिए, तो अब हम इसके बेनिफिट्स और यूज़ कैसे करते हैं इसे जान लेते हैं। दोस्तों, इसे दोनों तरह से, यानी इंटरनली यानी ओरली आप इसे पीकर भी ले सकते हैं और एक्सटर्नली यानी इसे आप अपने त्वचा पर अप्लाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ओरली इसे 5 ml से 10 ml की मात्रा में 1 ग्लास दूध में मिलाकर सुबह या शाम किसी भी वक्त आप इसे ले सकते हैं, लेकिन शाम के समय सोते वक्त लेना काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल करने वाले हैं तो 10 से 15 बूंद तेल को 1 ग्लास दूध में डालकर पिएं। बाद में आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। ओरली लेने से ये क्या क्या काम करता है जान लेते हैं। दोस्तों, ओरली इसे कंज्यूम करने से ये आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हृदय यानी हार्ट की हेल्थ को सुधारने का काम करता है और साथ में दिमाग को स्वस्थ रखने का काम करता है। दोस्तों, ये आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने का काम करता है। दोस्तों, ये आपको कब्ज से राहत दिलाता है, ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आपके पेट को साफ रखने में मदद करता है। सर्दियों के दिनों में शरीर को गर्म रखने में ये काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों, एक्सटर्नली इसे लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं जान लेते हैं। दोस्तों, बार बार सर में दर्द रहना, टेंशन होना, मेंटली थकावट होना जैसे लक्षणों में इसे सर में मालिश करने से आपका सर दर्द, टेंशन, मेंटल थकावट तुरंत दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसे लोकली त्वचा पर लगाते हैं तो ये आपकी त्वचा को गहराई तक मॉइस्चराइज करता है। सर्दियों के समय त्वचा अक्सर रुखी और बेजान हो जाती है, इसे अप्लाई करने से ये त्वचा को नर्म और कोमल बनाता है। इसे आप मॉइस्चराइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मालिश के लिए तेल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन को सुंदर और नेचुरली चमक लाने का काम करता है। इसके अलावा बच्चे के शरीर के मालिश के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा तेल है जो बच्चों में मालिश के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा बालों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। हफ्ते में 2 बार हल्के गुनगुने तेल से मालिश करें, यह बालों के गिरने की समस्या, रूसी यानी डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है और बालों के खूबसूरती को बरकरार रखता है और बालों को ज़रूरी नमी देकर उनका ख्याल रखता है। जोड़ों के दर्द में इसे लगाने से आपको काफ़ी हद तक फायदा मिल जाता है। इस तरह से रोगन बादाम शिरीन तेल का उपयोग करके आप अपनी सेहत, त्वचा और मस्तिष्क को स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में न करें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।